पीलीभीत से बड़ी खबर, हथियारों के तस्कर को गजरौला पुलिस ने किया गिरफ्तार। शासन द्वारा अवैध शराब, मादक पदार्थों के तस्करों, अवैध शस्त्रों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर चलाए जा रहे अभियान में पीलीभीत पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में सर्विलांस एसओजी टीम थाना गजरौला पुलिस द्वारा अवैध शस्त्रों व कारतूसों की खरीद फरोख्त के व्यापार करने वाले तस्कर मोहम्मद माजिद पुत्र अखलाक अहमद को 7 तमंचों 10 कारतूसों के साथ गिरफ्तार किया गया। उक्त के संबंध में गिरफ्तार किए गए जसवीर सिंह आदि अभियुक्तों द्वारा अवैध तमंचों कारतूसों की तस्करी करने वाले व्यक्ति का नाम प्रकाश में आया था, जिसमें जिला पीलीभीत के एसओजी सर्विलांस थाना गजरौला की पुलिस टीम तलाश में मामूर थी। अभियुक्त मोहम्मद माजिद अवैध तमंचे कारतूसों की तस्करी कर जसवीर सिंह जैसे अपराधियों को बेच दिया करते थे, जो समाज में अपराधों की लगातार वृद्धि की वजह बन रहा था। अभियुक्त मोहम्मद माजिद से हुई बरामदगी के बाद थाना गजरौला पर अधिनियम पंजीकृत किया गया। रिपोर्ट जाहिद अली, ब्यूरो चीफ पीलीभीत। अवैध शराब, अवैध मादक द्रव्य एवं अवैध शस्त्रों के विरुद्ध शासन के निर्देश के क्रम में, पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश के क्रम में अभियान चलाया जा रहा है। उसी के क्रम में आज गजरौला पुलिस के द्वारा एवं स्वाट प्रभारी के द्वारा एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, जिसमें एक अभियुक्त माजिद पुत्र अखलाक अहमद के पास से 7 तमंचे 10 कारतूस बरामद हुए हैं और उनके खिलाफ उचित विधिक कार्रवाई सुनिश्चित कर थाना गजरौला में अभियुक्त पंजीकृत किया गया है और उनको गिरफ्तार कर विधिक सुनिश्चित कार्रवाई करके उनको जेल भेजा जा रहा है। इस तरह के अभियान आगे भी जारी रहेंगे और जो लोग भी अवैध मादक द्रव्य पदार्थ शराब में संलिप्त हैं उनके खिलाफ गैंगस्टर आदि की कार्रवाई करके जब्तीकरण की कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी।